अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक है? साहब नजर आ रही है कि नहीं? आ रही हूँ। हाँ जी अक्सर, मैंने ट्विनिंग की है, मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी, ब्लैक कलर की पैंट पहनी है। अक्सर का भी यही सीन है, ब्लैक अक्सर ने ट्विनिंग की है। घर वाले कपड़ों के साथ हमारी ट्विनिंग होगी। अभी का सीन ये है कि ईद इस बार माशाल्लाह काफी लंबी होगी, क्योंकि मैंने तो अभी अंदाजा लगाया लोगों के अंदर हफ्ते इतवार की छुट्टी आ गई है। लोग तो ईद लंबी इस बार सेलिब्रेट करें, मतलब इस बार 5 दिनों की ईद होगी हुई है। इसी तरह जो बच्चे स्कूल जाते ना उनकी होगी। हाँ, जब ये भी स्कूल जाने शुरू करेगी आयशा भी इंशाल्लाह 4 साल की होते हैं स्कूल भेजनी। पहले हमने सोचा था कि 3 साल की होगी, हमने भेजनी, फिर हमारा दिल ऐसे जोन से अंदर से होने लग पड़ा कि यार 3 साल छोटी बहुत है अभी। हाँ, तो फिर 4 साल की बारल देखते हैं, जब भी स्कूल जाना हुआ इसमें तो इंशाल्लाह इसको भेजेंगे बारल। आज के अक्सर के कपड़े आ जाते हैं ये वाले, ये पहन रही है आज। हाँ, कॉस्ट्यूम कहने लगा था मैं आपका। और तैयारी श्यारी करते बाहर जाने की, देखिए यहाँ पे सारे जो है ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। अली ने आज अपनी शर्ट निकाल ली करे, तो मैंने कहा अली की ना और अब्दुल्ला की ट्विनिंग करवाती हूँ। हाँ। अली ने जान के जाके दूसरे कपड़े, नहीं जान के नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने शूज पहने थे, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो शूजों की मैचिंग ही नहीं बन रही थी किसी चीज के साथ। अब बारल जो है ना, मैं आपको शूज दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ब्लैक की मैचिंग बन गई है। बारल मैं चाय रेडी कर रहा हूँ, अब मेरे चाय रेडी करने तक जल्दी जल्दी तैयार हूँ। दूसरा सीन ये, चाय मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साथ अक्सा ने बच्चे भी तैयार कर रहे थे। पहले अक्सा ने अब्दुल्ला को रेडी किया, फिर अक्सा खुद रेडी है, क्योंकि अब्दुल्ला को पहले रेडी कर देना बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। अभी जो है आयशा रेडी हो गई है, आयशा भी तकरीबन जो है ना वो भी रेडी होगी, बस बच्चों के शूज रहेंगे, बल्कि अब्दुल्ला ने तो शूज वगैरह भी पहन ले हुए, लेकिन हम लोग साथ गर्मा गर्म यहाँ पे चाय रेडी कर लेते हैं। वैसे मैं आयशा को हर रोज ही कहता रहा था कि आज प्ले लैंड लेके जाना, फिर हम लोग बाहर जाते थे लेट हो जाते, प्ले लैंड तब तक टाइम खत्म हो जाता, तो मुझे पता भी नहीं था प्ले लैंड किस में लेके जाऊँ। तो बार किसी ने कॉमेंट करके बताया हुआ था, काफी देर पहले कॉमेंट आया हुआ था कि कोई टॉम एंड जेरी प्ले लैंड है अली भाई, वहाँ आप ले जाए। तो बार आज मैं अपने बच्चों को टॉम एंड जेरी प्ले लैंड लेके जा रहा हूँ। हाँ जी जी, टॉम एंड जेरी जा रहा है। मैंने जो आज शूज वेयर करने हैं ना, वो ये वाले शूज हैं। अगर मैं इन शूजों के साथ पहनता ना ऊपर कोई ग्रे वाली शर्ट या कोई येलो वाली शर्ट इसी तरह ऐसा, फिर मैं ऐसे लग रहा जैसे कोई ना ट्रक नहीं होता, कोई बत्तियां वाला, मतलब वक्रिया वक्रिया बत्तियां होते हैं, पीली थले नीली दरमियान च काली। हाँ, मैंने कहा था आपकी एक ना इस कलर की शर्ट होनी जरूरी है। चलो ये ब्लैक तो ठीक लग रहा है, लेकिन इनका एक और ऑप्शन भी है ना, इसके साथ लेसिस एक्स्ट्रा है। मतलब अगर मैं येलो कलर की शर्ट पहनता, मेरे पास टाइम होता तो मैं वो डाल सकता था अंदर, लेकिन मैंने येलो वाली जो है ना वो पहले पहन ली थी, फिर ये कॉम्बिनेशन चल जाता है। बरल जी, आज मैं ये वाले शूज पहने लगा हूं, अब मेरे ख्याल से ब्लैक साथ मैच कर जाएंगे और अच्छे लगेंगे। फाइनली जी, अक्सा भी बिल्कुल रेडी होगी और आयशा भी रेडी है साथ, अब्दुल्ला भी बिल्कुल रेडी होकर बैठा हुआ, ये तो बैठा ही रहे सुकून से, वही बेहतर है। वही ने इसको बुला लिया, साथ ही रोना शुरू किया, देखिए अभी मैंने नाम लिया, पीछे मुड़ के देखने लग पड़ा है। बरल जी मुझे ये बताएं, आपने ईद के तीनों दिन यही क्यों पहने? जूते तो आपके और भी इतने पड़े हुए हैं। बाकी ये बात वैसे ठीक है, इस तरह का जूता रहता है बड़ा सेट है, बंदे ने 2-3 जूते भी लिए हो ना, ये जूता हो ना पास। हाँ, समझे आप लोगों के सारे फंके जितने भी ना पोटेंट हो सकते हैं, आप लोगों को किसी भी कलर का जूता लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। बाकी बाकी बारल जी मैं भी बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, अभी हम लोग बस बाहर निकलने लगे हैं। अभी का सीन ये है कि जिस तरह का मैं आप लोगों को अपने शूज दिखाने लगा हूँ, आप लोगों ने भी जरा कमेंट करके बता देना कि कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, अब मेरी ये कंप्लीट ब्लैक लुक आ रही ना, ब्लैक के साथ ये जो है आयशा एक मिनट साइड पर, मैंने दिखाने हैं जरा, ये देखें ये ब्लैक के साथ जो है ना ये मैच कर गए हैं, कि ये मतलब पैंट के साथ और शर्ट के साथ मैच है, तो इस तरह भी ये चल सकता है, जरूरी नहीं है इसके साथ भी सेम शर्ट ही हो। आपके तो मैच हो गए, आपने पता मुझे क्या करना है, आपने 4-5 और ट्रांसपेरेंट जूते अलग-अलग, ये जूता तो मैं ले रही हूँ, जूते महंगे बड़े मिलते हैं, पता नहीं नया स्टाइल आया कोई नया डिजाइन आया, इस वजह से इनकी मार्केट ही बहुत ऊपर गई हुई है। हाँ, और लिया भी आपने अपनी जमा पूंजी के साथ, ये मैंने नहीं लेके दिया, इसने खुद ही लिया था। बर... अब आप मुझे लेके दीजिए। हाँ जी बरल जी, ये देखे मैं बिल्कुल रेडी हो गया, अक्सर देखना लाल टाइम तो नहीं ना लग रहा, नहीं नहीं बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं आपको पता क्या एक और सजेशन दे रही हूँ, मैंने क्या कह रही हूँ कि आप ना एक वाइट पैंट और वाइट शर्ट भी ले, वो भी बहुत। हाँ, वो भी अच्छी लगेगी। ऐसे जरा पीछे होना, अक्सर ये वैसे जो है ना मिरर की जगह चेंज होनी चाहिए, करें जाने से पहले चेंज करें जरा, 2 मिनट लगेंगे चेंज करके देखें। अभी उस साइड रख के, नहीं उस साइड पे नहीं, मुझे लगता है ये इस साइड पे होना चाहिए, इधर रखो, और डिस्पेंसर जो है ना ये उठा के वहाँ होना चाहिए, करके देखो अभी डिस्पेंसर, अभी मैंने वो साइड पे करके रख दिया, और इसके बाद सी देखते क्या लगता है। अच्छा कह रही इस तरह ठीक लग रहा है, मैंने वैसे इस तरह से रखवाया है, इसको हम रखते हैं इस साइड पे। चलो जी, यहाँ पे हम ना पूरे नजर आएंगे, फायदा क्या है, ये थोड़ा ना इस तरह से कवर करें कि ये पीछे हो जाए, आगे भी जाए, वीडियो भी बनाए, देखिए अब आपके भी शूज मेरे भी शूज सारा कुछ नजर तो आ रहा है, तो फिर क्या लगता है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ठीक लग रहा है कि नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे ठीक है, आप लोग सजेशन ठीक रहेगी, इधर कभी कुछ सोचते हैं, इधर हमने क्या करना है, सोचते हैं पढ़ाने देते हैं नहीं, ये ना हमने कॉर्नर सेट करना है, ये पहले मैंने मिरर के लिए कहा था। हाँ। मैंने कहा कि ये ना कॉर्नर मिरर के हिसाब से सारा सेट करती हूँ, लेकिन अब ये फिर हाल ही हो गया, अब इसको दोबारा से ना किसी नए तरीके से सेट करूंगी, और ये मिरर की भी सेटिंग करती हूँ। हाँ, बिल्कुल
भी लगता है सारा यार। आप मुझे कह रहे थे ना डिस्पेंसर अच्छा नहीं लग रहा, इतना प्यारा लग रहा है डिस्पेंसर यहाँ पे। अली मुझे कह रहे थे कि ये डिस्पेंसर क्या दूसरी साइड इस साइड पे जैसे पड़ा होता है ना सीधा करके रखते, मैंने कहा कि इस साइड पे रखे इसका मुंह करके, ऐसे प्यारा लग रहा है वैसे। खा लो नहीं खा लो, यहाँ से छारा तो गीला कर दिया, बाकी का भी खा जो पर्स जितना रह गया, मामा का छारा पर्स खत्म कर दो। अच्छा नहीं मैं नहीं आता अंदर, मैं नहीं आता। दो बीबियां ने साढ़े घर, ठीक है ना, एक आयशा ठीक है, एक तेरी मामा, समझ लिया साढ़े दोवें का काम खराब ही है। इन्हें व्डे भी होके साढ़े ना लाई करना, असं दोवे तैयार होके खड़े हो रहना, इन्हों ने टाइम लाते रहना, यही करना है ना। हम दोनों को तो टाइम लगना ही नहीं, हमने तो पेपे पहने, शूज पहने, रेडी हो जाने, इन्हों के मेकअप, इन्हों की वीडियो, इन्हों का आई नहीं मुकना। हाँ जी जल्दी जल्दी आके इंटरव्यू दे दो, दे दो पहले बताओ खाना खाना है क्या करना है? नहीं, आपसे इससे पूछ रहा हूँ। हाँ जी खाना खाना है या प्ले लैंड? मैं तो कहता हूँ पहले खाना खाते हैं, अच्छा क्या करना है? ना यार आयशा क्या यार मेरी बात हूँ, दो मिनट रोन लगा, एक सेकंड नहीं लगना रोना आ जाना, देखा जी खाना खा लेते, ये देखिएगा एक मिनट देखिए आयशा पता है मेरे साथ शुगर लगा रही, इधर देखो मैं बच्चों नहीं लेके जा रहे प्ले लैंड, रोने लगी आयशा, आयशा रोने लगी है, आयशा रोने लगी है, तेज हो गया, अब इसको पता लग गया कि जान के मुझे तंग कर रहे। वैसे अब सीरियस होना तो इसको दो से तीन सेकंड लगते हैं रोने लग पड़ते। ठीक है जी आज हम पहले जुलेमा यहाँ जा रहे हैं, थैंक यू बोलो उन आपी का जिन्होंने टॉम एंड जेरी प्ले लैंड का बताया था, पहले थैंक यू बोलो आपी का, थैंक यू और प्ले लैंड का प्लान ईद के पहले दिन से बन रहा है, लेकिन हम लोग फिर इतना लेट हो जाते थे, कहीं खाना खाने चले गए, पहले दिन आप ही की तरफ चले गए, कल फिर हम लोग निकले ही लेट थे, तो आज का बल यही सीन था। मैंने सोचा था कि पहले अपने बच्चों को जो है ना आज प्ले लैंड लेके जाना है, अब पता नहीं अब्दुल्ला बच्चा क्या करता है। ऐसे ये वाले मैं आपको ले जाता, लेकिन ना ये मतलब एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं जो नहीं भी बनते, ये जो है ये वही है ना अपने एम्पोरियम वाले, इनका ये सीन है कि इनकी पता नहीं 250-300 की दो एक मिनट की भी नहीं राइड पूरी होती, 40-50 सेकंड मेरे ख्याल से कुछ होते, इतनी सी इनकी राइड होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लेके जा रहा। लोर लोर है फिर के नहीं मिलो, लोर लोर है, लोर लोर ये जिसने लोर नहीं था का वो जामा ही नहीं, जिसने लोर नहीं था का वो जामा ही नहीं। ले जी आयशा आज पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह के प्ले लैंड जाने लगी है, ये तो पहले बाहर तो झूले मैया की हुई है, लेकिन छोटी थी ना पहले डरती बहुत थी जाने में, इसलिए नीचे लेके जाते। ये ले आते आते दूसरा भी उठ गया, ये भी अब राइड्स लेगा यहाँ पे। आयशा हाँ जी कैसा लग रहा है? देखेगा नहीं, मैं इसको बिठाऊंगा छोटी छोटी गाड़ियों में। हाँ जी इंटरव्यू देना चाहती है, कैसा लग रहा है आपको? ये भाई सब छोटे हैं, ये भी छोटा है, कुछ करो तो सही, बस के बैड के ऊपर हिलते रहे ना आपने, चलाओ हॉर्स को चलाओ लेकिन शुगर है पहले बैठ सी नहीं थी आपको पता है इन राइड्स के ऊपर, डरती थी, लेकिन अब बड़ी होगी ना बैठने लग पड़ी है। अब ये भाई साहब छोटे हैं, ये सिर्फ देख सकते हैं। हाँ जी ओ सर जी हेलो, कोई राइड साइड नहीं मिल रही बैठा हुआ देख रहा है, और बैठने के पास घर चले, नहीं घर चलते हम आप, ठीक है अभी नहीं जा रहे। अब्दुल्ला को भी हमने राइड करवा दी इसके ऊपर, ये भाई भी साथ बैठा हुआ है, इसके लिए तो बिल्कुल ही नई चीज है ना है। अफसा ने मुझे ये आइडिया दिया है, अफसा कहती है आप इसको भी यहाँ पे कैरी कॉर्ड इसका साथ रख दे, इसकी भी झूलेमाइयाँ हो जाएगी। हाँ अभी एक राइड पूरी होती है ना, एक और इसी के द्वारा झूले भैया इनको करवा देते हैं, वो बटन जो दबाते हैं ना वो आगे से वो वाले जंप करते हैं एनिमल्स, ये वो देखो चलो ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है आयशा, कैसा लग रहा है? अभी भी डर रही है थोड़ा थोड़ा कि मैं गिरना चाहूँ इधर उधर। आयशा आप नहीं गिरती, आयशा आप नहीं गिरती, आप चलाओ उसको इजीली। आयशा अभी आती है, देखे हमारा पायलट अंदर बैठा हुआ है पायलट हमारा अंदर बैठा हुआ है, किधर गया हमारा बच्चा, हमारा बच्चा किधर गया, ओए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दुनिया की सबसे सुस्त राइड। हेलो हेलो आयशा वो खुश है वो खुश है,
यार थोड़ी गर्मी नहीं है, इतनी गर्मी है, अगर एसी के सामने पड़ा रहेगा तो कौन सा कुछ वो आप अपना समझिए, इतना भी हमारा पोल्ट्री बच्चा नहीं है उसको ठंड लग जाए इतनी जल्दी। बहरहाल ये जितनी भी राइड है ना सालों की सिर्फ शक्ल चेंज है, एक ही काम साहब का। और भाई इतना सीरियस, इतना सीरियस मूव। जेन मेरा चेक करने थले गड्डी चला के आया तो दिल कर रहा है अली गड्डी चलावा मैं के। ये गेम वाली गाड़ी चलाऊं, गेम में खेलने का दिल करता है ना। अच्छा हाँ जी हाँ, वही कोई गेम नहीं छोड़। अभी ये दूसरी राइड मिली है जिसमें अब्दुल्ला भी अंदर एडजस्ट हो गया, बैठा हुआ पकड़ने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को। किसको भला पकड़ रहा है, ये रॉड नहीं लगा हुआ ये वाला अगले वाला, इसको पकड़ना चाह रहा है। आयशा क्या हुआ है? बाय। जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए फिर इजाजत, हाँ जी फुल एंजॉय किया है पक्की बात। हाँ लाफिश लाफिश, वो भी वही ब्लोन्स के साथ खेल रहे हैं, एडजस्ट हो गया पीछे। अल्लाह हाफिज।